हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मकई लगी हुई है पुर्तगाल में। ये शाम का वक्त है, ये अब इसकी कल्टीवेशन कुछ हुई है, लेकिन ये लाइंग सोइंग से हुई है। और इस साइड भी देखें तो ये जंगल लगा हुआ है सफेदे का। और ये जंगल भी एक लाइन के थ्रू लगा है। ये जी लगा हुआ है यूकेलिप्टस, सफेदा बोलते हैं, उसके नाम ही जंगल है, मसनू है यूकेलिप्टस कमाडुलेंसिस, बोटानिकल नाम है। और ये जनाब जी मकई लगी हुई है, इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, योर बोटानिकल नेम जिया मेस। ये देखें जनाब, ये दरख्त लगा हुआ है जनाब जी चीड़ का, पाइन का, सॉरी पाइन है, क्योंकि ये दरख्त जो है वो सीधा है, देखिए इसका तना बिल्कुल सीधा है और शाखे सारों पे ये लगी हुई है चीड़, इसको हम बोलते हैं पाइन। एक चीड़ और एक दियार है, चीड़ में दरख्त जो है वो बिल्कुल सीधा है, जो दियार है वो भी सीधा ही है, लेकिन उसके ऊपर एक छतरी है पूरी सी, उसकी सारी शाखें ऊपर हैं, वो है दियार का दरख्त, वो बहुत कम है और लेकिन वो बहुत अच्छी लकड़ी है उसकी। ये नाम लगा हुआ जी पाइनस पाइंस। ये देखें पाइन और पाइन की कॉन्स लगी हुई, कॉन्स आई थिंक गिर गई, देखें जमीन पे। तो ये जनाब इसकी कोई पुरानी कॉन है। यहाँ से अटैच होती है, ये देखें आपको शायद कौन लगी हुई नजर आ जाए। इसी तरह ये भी रखता है, लेकिन इसके ऊपर आप गौर करें तो बहुत सारी कौन है जो लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा है। अब ये हमारी नाइट की वॉक है। इस साइड पर मकई है जिया मेस, और इस साइड पर देखें तो ये जनाब जी लगा हुआ है यूकेलिप्टस सफेदा, यूकेलिप्टस कमाडुलेंसिस बोटानिकल नाम। ये देखें पूरी लाइन में दरख्त लगे हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन आगे ये है, उसके बाद आगे एक लाइन ये है, फिर आगे एक लाइन ये लाइन में लगे हैं। इसको बोलते हैं मसनूई जंगल। ये चेक करें कि इसे कटिंग करते हैं,
और ये काट काट के, लेकिन नीचे से जो इसका तना है बहुत बड़ा, गया ऊपर से जो उसकी जो है उसकी कटिंग कर दी जाती है। ये आपको पुरानी कटिंग दिखा देते हैं कैसे कटा है। ये यहाँ से कटिंग हुई है इसकी सफेदे की, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ दिया गया एक शाख को, एक तने को, वो ग्रो करता है, उसके बाद दूसरी शाखें और बनती हैं। ये नीचे तना इसका बहुत बड़ा है, लेकिन इधर से इसके मजीद प्लांट बनते हैं ऊपर सफेदे के। उसकी एक बार सोइंग है, उसके बाद ये ऊपर कटिंग होती रहती है इसकी बार बार। ये बारिश का ना रास्ता बना हुआ है सड़क इस साइड पर भी, इस साइड पे ये जो है ना बारिश का पानी है कि सड़क सूखी रहे। अगर आप नीचे देखें तो ये हैवी मशीनरी गुजरने की निशान है, लेकिन वो सूखी जगह पर चलती है, बारिश हमेशा साइड पे है। ये जनाब जी पीओ लगी हुई है, ये अगर आप देख रहे हैं पानी देने का मशीनरी, पानी देने का सिस्टम है। इसमें व्हील लगे हैं, एक व्हील ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा वहाँ पर। ये डिफरेंट डिज़ाइन में पीओ है, इसको पीओ ही बोलते हैं, लेकिन ये मेड इन फ्रांस है। ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है। ये नहीं, बिल्कुल सीधे रास्ते हैं, ये सीधा रास्ता है, फिर ये है, फिर ये प्लांट्स हैं, फिर बीच में एक रास्ता है, ये लाइन में सोइंग है। ये मकई है, उसको पानी देने का सिस्टम लगाना है, ये आपको दिखा देते हैं हम। ये तो बहुत छोटी सी है, लेकिन ये जो असल में है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये डिज़ाइन की हुई है अपने हिसाब से। ये मोटराइज है, मोटरें चलती हैं और ये पानी का पाइप जो है ना वो मूव करता है पूरी पेड़ के ऊपर, और इसके साथ ही फवारे लगे हुए हैं, तो ये पानी देते हैं फवारे साथ साथ। ये जी लगे हुए हैं स्प्रिंकलर, ये पीओ है, ये स्प्रिंकलर है जो पानी जो है ना इससे खेतों को पानी देते हैं। ये साथ में मोटर है बीच में, ये जो व्हीलों को मूव करती है। ऊपर जो मोबाइल का एंटीना है, ये मोबाइल की ऐप से भी, ये मोबाइल की ऐप से भी आप रात को भी इसको ऑन कर सकते हैं। दूसरी साइड पे इसका एक पाइप है ज़मीन के नीचे नीचे ऊपर, जिसे लगे ये पीवीसी का पाइप है, वो साथ साथ मूव होता है। आप देखेंगे वो से तो आपको स्प्रिंकलर नजर आ सके हैं साथ साथ। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। I've got to